पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आतंकी एंगल का खुलासा हुआ है। पंजाब के डीजीपी ने गैंगस्टर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन का खुलासा किया। डीजीपी ने बताया कि मूसेवाला मर्डर केस में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अभिनेता सलमान खान भी थे। डीजीपी के मुताबिक लॉरेंस के इशारे पर आरोपी दीपक और उसके साथी ने रेकी भी की। मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुल 35 नामजद हैं और 2 की मुठभेड़ में मौत हुई। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार 3 नए आरोपी दीपक मुंडी, राजेंद्र और कपिल पंडित को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कपिल पंडित को लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान को टारगेट करने का टास्क दिया था। कपिल पंडित ने पूछताछ में बताया कि संतोष यादव और सचिन बिश्नोई भी उसके साथी थे। तीनों ने मुंबई जाकर रेकी भी की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब डीजीपी ने बताया कि मूसेवाला मर्डर केस में शामिल गैंगस्टरों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच कनेक्शन था। आईएसआई पंजाब के गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थकों का इस्तेमाल पंजाब में शांति भंग करने के लिए कर रही है। इसके अलावा बीते दिनों पंजाब में आरडीएक्स की बरामदगी भी बढ़ गई है। डीजीपी ने बताया कि अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 की मौत हुई और 35 नामजद हैं। गोल्डी बराड को केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। एक दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में शनिवार को शार्प शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 सहयोगियों को मूसेवाला मर्डर केस में पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। एक खुफिया आधारित ऑपरेशन के बाद डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हत्या में शामिल छठे और अंतिम फरार शार्प शूटर दीपक मुंडी को उसके 2 सहयोगियों कपिल पंडित और राजेंद्र के साथ पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पश्चिम बंगाल में नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मूसेवाला का 29 मई को मानसा के गांव जवाहर के में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 24 कातिलों के खिलाफ मानसा कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें एनकाउंटर में मारे गए शूटर मन्नू और रूपा का भी ब्यौरा है। इसमें विदेश में बैठे गैंगस्टरों में अब गोल्डी बराड और लिपिन नेहरा शामिल हैं। वहीं इस चार्जशीट में 166 गवाह बनाए गए हैं। मुंडी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जल्द सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।